साथ साथ मेरा परिचित का बैठे थे दोस्तों, आईफोन गूगल या सैमसंग जिसके अंदर एज कम्पेयर टू चाइनीज कंपनीज कम मेगापिक्सल के कैमरा आते हैं वो ज़्यादा अच्छी फोटो खींचता है, या फिर जो चाइनीज कंपनीज होती है जो कि 108 मेगापिक्सल की भी कैमरा देती है उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखने को मिलेगी। अच्छा, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी। दोस्तों, अगर हम पर्टिकुलर आईफोन की बात करें तो मैं आईफोन देता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और वहीं अगर हम रियलमी या एम आई कोई चाइनीज़ कंपनी की बात करें तो वो हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देती है। तो दोस्तों, ऑन पेपर तो आपको लगेगा कि ये जो चाइनीज़ कंपनी है उसका कैमरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये आईफोन से क्लिक की हुई है, और ये जो देख रहे हैं ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा ऐसा क्लिक की हुई पिक्चर है। तो दोस्तों, आप भी इसमें देख सकते हो कि आईफोन ने ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर किया है, क्योंकि दोस्तों मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता है, इमेज में बहुत कुछ होता है, डायनामिक रेंज, कलर एक्यूरेसी, नॉइज, शार्पनेस, रिजोल्यूशन, बहुत कुछ होता है। और दोस्तों, ये इन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस रखते एक अच्छी फोटो बनती है। और दोस्तों, 108 सिर्फ आप पिक्चर का रिजोल्यूशन बढ़ा रहे हो, और सिर्फ रिजोल्यूशन बढ़ाने से आपकी पिक्चर अच्छी नहीं बनती दोस्तों। इसीलिए आईफोन गूगल और सैमसंग जैसे फ़ोन्स के कैमरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि दोस्तों आपको एक अच्छे फ़ोटो के लिए सिर्फ एक अच्छा रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको कुछ अच्छा कैमरा सेंसर, अच्छा कैमरा लेंस, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो आपके कैमरा को प्रोसेस करता है। दोस्तों, आपका फ़ोटो बहुत कुछ आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से आपके फ़ोटो को प्रोसेस कर रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए एप्पल और या फिर कोई भी और फ्लैगशिप कंपनी से वो आपको मेगापिक्सल्स कम देंगे, लेकिन फिर भी आपको उसमें अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कोई भी सस्ती मिड रेंज फ़ोन के। दोस्तों, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपको ये जो मेगापिक्सल गेम चल रहा है सब कंपनीज के बीच में, आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।